और इन सुंदर सी वादियों का मजा लेते हुए मैं और मेरा छोटा सा बेबी हम लोग कर रहे हैं मस्ती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय ग्लैम लाइफ। और सुबह सुबह के 5 बजे हम लोग निकल गए हैं अपनी जर्नी के लिए, क्योंकि हम लोगों को ट्रेन पकड़नी थी। ट्रेन के लिए हम लोग निकल चुके हैं। इतना अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन मैंने कभी नहीं पकड़ी, सो इसलिए थोड़ा सा एक्साइटेड भी थी और थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं निकल ना जाए। तो जल्दी से हम लोगों ने कैब मंगाई, ओला कैब हमने बुक की थी जो टाइम पर आ गई। लग नहीं रहा था कि भैया टाइम पे आ जाएंगे, पर वो टाइम पे आ गए और फिर हम लोग जल्दी से बैठे। 5:30 बज रहे हैं और बिल्कुल अंधेरा है, जैसे रात को 2 बजे अंधेरा रहता है ना, बिल्कुल इसी तरह के अंधेरा है। स्टेशन पे कोई एक बंदा नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लैंक है और ट्रेन भी खड़ी हुई है गाइस। वहाँ पे 5:30 बजे की पहली ट्रेन और हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। और अभी बज रहे हैं 6:30 हो गए हैं। और ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे सारी चहल पहल है, मार्केट खुल चुकी है और ये सब्जी मार्केट है, जामनी नागा कहते हैं इसको थाने में, बहुत ही फेमस मार्केट है। जब मैं थाने रहती थी ना तो हम लोग यहाँ पे ज़रूर आते थे वीकेंड में, और यहाँ से बहुत फ्रेश सब्जियाँ मिलती हम लोग लेते थे। कोई भी थाने रहता है वो लोग यहीं से ही आके सब वेजिटेबल्स वगैरह बाय करते हैं। और हम पहुँच चुके हैं स्टेशन, ये देखिए सारे ऑटो खड़े हुए हैं। स्टेशन पहुँचने के बाद ये सब लोकल ट्रेन आ रही हैं। मॉर्निंग में 5:30 लोकल ट्रेन मुंबई में शुरू हो जाती है गाइज। मुंबई इतना बिजी सिटी है ना कि क्या बताऊँ, वो ट्रेन वगैरह सब चालू हो चुकी हैं। और बस अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए। अभी भी चांद ही दिख रहा है, अभी सन दिखेगा थोड़ी देर में। ठंडी का मौसम है ना, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे आ गया। देखो चांद, और ये है, और ये है ना। और ये देखिए 6:40 पर ये लेडीज़ ट्रेन में चढ़ रही हैं जॉब पे जाने के लिए, अपने ऑफिस जाने के लिए। मतलब मुंबई तो मतलब मानना पड़ेगा, सुबह 5:30 बजे से लोग यहाँ पे काम की तैयारी में लग जाते हैं, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, कुछ मतलब नहीं है। दोनों ही अपने अपने तरीके से अपने घर को सपोर्ट करते हैं। हाँ देखो 6:51 की ट्रेन थी, बट अभी तक आई नहीं है। तो वही अच्छे 7 तो बन चुके हैं, बट अगर वेट कर रहे हैं तो पता आएगी फिर जाएगी। आ गई लक्ष्य हमारी ट्रेन। लक्ष्य इज वेरी हैप्पी टू सी हिज ट्रेन। लक्ष्य ट्रेन आ गई। पीछे हो थोड़ा, हमारा कोच कौन सा है लक्ष्य? ट्रेन आने के बाद तो खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं था, बस बहुत वेरी एक्साइटेड टू कैच दिस ट्रेन, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम वंदे भारत जा रहे थे। यस दोस्तों, ये वंदे भारत ट्रेन है और हम लोग आ चुके हैं वंदे भारत ट्रेन में। सो मुंबई की वंदे भारत ट्रेन में आपका स्वागत है। और हम जा कर रहे हैं, चलो वो भी मैं आपको बता ही देती हूँ। हम लोग जा रहे हैं शिरडी, मुंबई टू शिरडी हम लोग जा रहे हैं वंदे भारत ट्रेन से। और मैं बिल्कुल अंदर एंट्री कर चुकी हूँ। इस तरह से ये वंदे भारत की ट्रेन दिखती है, आपको दिख ही रहा होगा, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। जो मैंने आज तक कभी कोई ट्रेन इतनी क्लीन देखी नहीं है, बट दिस इज़ अ वंदे भारत ट्रेन, जो सच में ही मैंने सुना बहुत था कि बहुत क्लीन रहती है, बहुत अच्छी है, बट पहली बार देखा अच्छा लगा। सो एंट्री तो बहुत अच्छी थी। ये यहाँ पर आ गए हैं यहाँ पे चाय देने के लिए। सो मैंने उनको बोला कि थोड़ा रुकिए, मुझे थोड़ा सामान लगाने दीजिए अपना, फिर दीजिएगा। बट उन्होंने फिर भी मुझे प्लेट्स पकड़ा दी हाथ में और मैंने प्लेट्स रख ली, और चाय के लिए मैंने उनको बोला बाद में आइएगा। कुछ इस तरह से दिखती है पूरी ट्रेन। और ये हमारी चाय की प्लेट, उसमें बिस्किट है,
ये चाय का सैशे है जो रेडीमेड चाय होती है ना, ये लोग अभी गर्म पानी देंगे, उसमें ये जो पाउच है वो मिक्स करना होता है। और सब सामान वगैरह लगाने के बाद मैं बैठ गई हूँ, अब चाय के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। वो भैया वापस आ रहे हैं और मुझे देख रहे हैं कि मैडम ये कब लेंगे, क्योंकि उनको अपना और भी काम करना है ना। बट हम लोग तो अपने फोटो वोटो में भी लगे हुए थे क्योंकि बहुत एक्साइटेड थे वंदे भारत ट्रेन में। और ना ये तो सबसे पहले है ये चाय का सैशे, और अभी गर्म पानी वो लाने वाले हैं, मैंने उनको बोल दिया है। और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है ये डिब्बा, और एकदम सीट भी कंफर्टेबल है, अच्छा लगा। लक्ष्य मैं बोल दूँ थोड़ा हाई करो, और सीट का फैब्रिक भी अच्छा है और कंफर्टेबल है। और ये मुझे बिल्कुल लास्ट की सीट मिली है, ये देखो ये डोर है और डोर भी बहुत अच्छा है, पीछे देखिए बिल्कुल क्लीन है। ये पेंट्री है मेरे पीछे ही, तो जो भी मुझे चाहिए होगा फटक से भैया को बोलूँगा और मुझे फटक से मिल भी जाएगा। बट मुझे लास्ट की सीट नहीं चाहिए थी, बट मिल गई, इट्स ओके, क्योंकि लास्ट मोमेंट में हम लोगों ने टिकट बुक की थी तो हमको सीट मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम लोगों ने जो दूसरी टिकट बुक की थी उसमें पूरी सीट फुल हो चुकी थी, तो इसमें हमको ये तीन सीट कैसे भी हम लोगों ने जुगाड़ लगा के हमको मिली, तो हम लोगों ने ले लिया। क्योंकि हमको शिरडी जाना था न्यू ईयर के टाइम पे, तो इसलिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात ही नहीं थी, बस वहाँ पहुँचना था शिरडी में, तो जैसे भी पहुँच सके तो ठीक है, ट्रेन से ही जाना था अब की बार हमें, वैसे हमेशा गाड़ी से जाते हैं हम लोग। तो लक्ष्य से मैं पूछ रही हूँ उसको कैसा लगा है, तो उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था ट्रेन में और उसको मज़ा भी आया। उसने बोला आगे से मम्मी अब आगे से ना हम लोग हमेशा ना इसी में ही जाएंगे, गाड़ी में नहीं जाएंगे। तो मैंने भी डिसाइड किया क्योंकि बहुत ईजी जर्नी लगी मुझे, बहुत कम्फर्टेबल लगा। और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और ये देखिए इस तरह का सैशे मिलता है यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन में, और इसको ये गर्म पानी भैया मुझे देकर गए हैं, और अभी मैं इसे मिक्स कर लूँगी, देखते हैं कैसा पाउडर है ये पूरा मिक्स है। इसमें मिल्क टी वगैरह सब कुछ है, इलायची फ्लेवर है ये, क्योंकि इसकी स्मेल से इलायची कितनी खुशबू आ रही है उससे मुझे पता चल गया। सो देखते हैं अभी कैसी बनती है, और इसका टेस्ट कैसा होगा वो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये ट्राई करने वाली हूँ। तो लेट्स सी टेस्ट कैसा होगा इसका। बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, सो अभी मैं लक्ष्य अपना बिस्किट इंजॉय करते हुए, उसने चाय नहीं ली है, उसको पसंद नहीं है इतनी चाय, तो मैंने बोला चलो रहने दो। सो मैंने चाय पी ली है, और चाय कब ठीक ठाक थी, चाय इतनी भी अच्छी नहीं थी बट। और यहाँ पे मैं कुछ बात करने की कोशिश कर रही हूँ बट मैंने माइक नहीं लगाया था ना, तो इस वजह से मेरी वॉइस ठीक से आ नहीं रही है। और पीछे डस्टबिन वगैरह भी सब रखा हुआ है, बट ठीक है इन लोगों ने बहुत अच्छे से क्लीन करा हुआ है तो इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा। लेकिन अगर दूसरा कोई ट्रेन होती जहाँ पे ये गंदगी होती है पेंट्री के आसपास, तो शायद मेरे लिए बैठना या मुश्किल हो जाता है। बट थैंक गॉड ये दिस इज़ अ वंदे भारत ट्रेन, तो ये बहुत क्लीन थी। देखिए यहाँ पे लोग आ रहे जा रहे हैं और बहुत अच्छे से सब लोगों ने क्लीननेस मेंटेन किया हुआ है। ये है वो भैया जो सब चीज़ें यहाँ पे सर्व कर रहे हैं बहुत मेहनत से और बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से दे रहे हैं। अभी जितनी भी चाय वगैरह उन्होंने सबको दी थी ना, ये वो प्लेट हैं जो ये वापस लेकर आ गए हैं, और अभी ये सब क्लीन कर रहे हैं, डस्टबिन में डाल रहे हैं सब, क्योंकि इसी प्लेट में अभी शायद ये ब्रेकफास्ट भी देने वाले हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा। तो मुझसे अगर पूछा जाए कि वंदे भारत ट्रेन कैसी लगी, तो मुझे तो अच्छी लगी। यहाँ अभी हम पहुँच गए हैं कल्याण जंक्शन, और सुबह धीरे धीरे होना शुरू हो चुकी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये जर्नी। और गाइस ब्रेकफास्ट आ चुका है, बट उससे पहले टीटी आ गए थे टिकट चेक करने के लिए, तो मैंने टिकट वगैरह चेक कराने लगी उनसे। और मैं सैनिटाइज़र हमेशा रखना चाहिए अपने बैग में, ऐसा ये 2020 के बाद से ये एक रिचुअल बन चुका है कि कुछ भी खाने से पहले सैनिटाइजर यूज़ करना ही करना है, बट एकदम उसी टाइम पे नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए। तो ये मेरा आ चुका है ब्रेकफास्ट की प्लेट, और इसमें क्या क्या है चलो देख लेते हैं। मैं इसमें डेट चेक कर रही हूँ, एक्चुअली ये एक्सपायर तो नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ना गंदे रिव्यू देखे थे वंदे भारत के खाने के पहले की ट्रेन में जो नॉर्थ में चलती हैं, बट सब खाना बिल्कुल नीट एंड क्लीन था और ठीक लगा, टेस्ट भी अच्छा था। मैं लक्ष्य को बोल रही हूँ कि वो भी खा ले, बट वो खा नहीं रहे। तो ये है उपमा, तो उपमा मुझे ठीक लगा, मतलब ओवर टेस्टी भी नहीं है बट इतना बेकार भी नहीं है कि खाया ना जाए, तो ठीक है। साथ में मिली है दही और ना पराठा भी मिला है, इसमें छोटे छोटे से तीन पराठे मिले हैं, और एक लौकी की या फिर आलू की सब्जी है एक छोटे से बाउल में।
सो अभी हम लोग खा रहे हैं, अभी पराठा खाने का बिल्कुल मन नहीं था तो इसलिए मैंने पराठे तो नहीं खाया है। मेरा हो गया ब्रेकफास्ट और लक्ष्य का भी हो गया, क्योंकि सुबह सुबह ना इतना खाया नहीं जाता है। अभी सिर्फ 7:30 बजे ही हैं तो खाना मुझे अच्छा लगा। और मेरी शायद आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर भी कर रही हूँ बीच बीच में। ये मेरे से गलती हो गई, क्योंकि ये देखिए ये है पराठा है इसके अंदर, जो मैंने ओपन भी नहीं किया है कैसा होगा। ये लक्ष्य ने पराठा निकाल लिया है, क्योंकि मैंने उसको बोला कि ओपन ही खा रहा कि तो कुछ तो खा, तो उसने ये पराठा निकाला है। इसमें से उसने बोला मैं एक खाऊंगा, वो सब्जी थी जो मैंने अभी आपको दिखाई। और साथ में ये देखिए मैं इसमें डेट वगैरह भी चेक कर सकते हैं, और दही है साथ में, ये मफिन है। तो ऑल ओवर बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है, फुलफिल ब्रेकफास्ट है और नीट एंड क्लीन था, बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। जो मैंने वंदे भारत के रिव्यू सुने थे कि कीड़े होते हैं, कॉकरोच होते हैं, अच्छा नहीं होता, बट मुझे तो अभी बिल्कुल सब कुछ अच्छा मिला। चलो लक्ष्य से पूछते हैं, क्या अच्छा लगा फिर आपको खाने को? थेपला और ये वाला। अच्छा, सब्जी और थेपला अच्छा लगा। गाइस, ब्रेकफास्ट हो चुका है और ट्रेन फुल स्पीड में चलना शुरू हो गई है, अच्छा लग रहा है। और अभी थोड़ी सी थकान भी फील हो रही है, सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ गए ना, ट्रैवलिंग किया हमने तो, लेकिन मज़ा आ रहा है, जर्नी इंजॉय कर रहे हैं हम लोग और अच्छा लग रहा है। लक्ष्य अभी थोड़ा सा इधर उधर घूम रहे थे तब तक मैं यहाँ विंडो सीट पर आ गई हूँ। ये देखिए व्यू, आप भी मेरे साथ इंजॉय कीजिए, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। नींद नहीं आ रही है बट मैं ये सब इंजॉय कर रही हूँ। बाहर देख रही हूँ कि महाराष्ट्र सच में इतना सुंदर है ना, कि मतलब आप घूमते रह जाओगे बट ना चीज़ें ख़त्म ही नहीं होगी। देखना बहुत सुंदर है महाराष्ट्र, हमारे इंडिया में ही इतनी सुंदर सुंदर जगह है घूमने के लिए कि आपको कहीं बाहर की कंट्री में जाने की जरूरत ही नहीं। तो देखिए आ गया है शिरडी। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं शिरडी और अब मैं उतर के आप लोगों से बात करती हूँ। तो हम लोग अभी शिरडी पहुंच चुके हैं और ट्रेन में यहाँ से बस कर रही हूँ अभी, और अभी बस जा रही है शिरडी के लिए। तो वहाँ पर जाना है उस वाले रास्ते में, लक्ष्य और लक्ष्य भी आ गया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं होटल, वहाँ बुक हमने पहले से कर लिया था ताकि लास्ट मिनट में हमें कुछ ज़्यादा इशू ना हो, तो इसलिए होटल रूम तो हम बुक कर चुके हैं। तो अभी हम लोग निकलते हैं और जल्दी से वहाँ रेडी होकर मंदिर के लिए निकलेंगे। 3 बजे का हम लोगों का वहाँ पे हम लोगों ने पार्किंग बुक कर दी है, तो अभी इतनी ज़्यादा मतलब रश तो रहेगा बट इतना नहीं रहेगा कि नॉर्मल वाली लाइन से बेटर रहता है। VIP लाइन ज़्यादा चार्जेस नहीं है, सिर्फ 200 रुपीज़ ही लगते हैं पर पर्सन, तो इसलिए हम लोगों ने VIP पास ले लिए। बस अब निकलते हैं शिरडी के लिए। लक्ष्य का लक्ष्य कैसा लग रहा है यहाँ के? और इस वीडियो में मैं देना चाह रही थी वंदे भारत का रिव्यू। सो गाइस बहुत अच्छा था मेरा मुंबई से शिरडी तक का सफ़र, बहुत अच्छे से क्लीन किया हुआ था उन लोगों ने ट्रेन को, खाना भी बहुत अच्छा था, मुझे किसी भी तरह की कोई उसमें गंदगी या किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा कॉकरोच वगैरह भी वहाँ पे नज़र नहीं आया। इनफैक्ट मैं 2-3 बार गई, पेंट्री भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी और वॉशरूम तो एकदम क्लीन किए हुए थे इन लोगों ने। बार बार पर्सन आ रहा था वहाँ पे क्लीन करने के लिए, इनफैक्ट फ्लोरिंग क्लीन करने के लिए भी पर्सन बार बार आ रहा था। तो मुझे तो अच्छा लगा वंदे भारत का सफ़र। आई डोंट नो पहले कुछ इस तरह के इशू रहा होगा जो लोगों ने इतने गलत कमेंट्स किए हुए हैं वंदे भारत ट्रेन के बारे में, बट अभी शायद सर्विस में सुधार हो चुका है तो अभी सब कुछ बेटर है। तो आप लोग भी वंदे भारत ट्रेन का सफ़र कीजिए और इंजॉय कीजिए अपनी हसर बसर लाइफ से, थोड़ा सा बाहर निकलिए। बीच में थोड़ा रुकी थी वंदे भारत ट्रेन, काफ़ी जगहों पे रुकी थी, हमें लगा था कि बहुत लेट हो जाएगी क्योंकि सुबह मॉर्निंग में भी ना बहुत लेट आई थी ट्रेन, बट गाइस बिल्कुल टाइम पर ट्रेन ने हम लोगों को छोड़ा शिरडी में। बिल्कुल भी सोचा नहीं था इतना टाइम पे हम आ जाएंगे, 11:30 हम लोग पहुंच चुके थे शिरडी और बहुत अच्छा लगा ये जर्नी। सो आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और गाइस आप भी आइए और मज़ा कीजिए और इन छोटे छोटे पलों को इन्जॉय कीजिए।
बाय, बी हैप्पी, बी हेल्दियर, जय साईनाथ।